काशी में आएंगे, मोदी गीत गाएंगे, एक नई अभिलाषा जली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं भाई साहब, मैं एक हरिजन परिवार से हूँ, मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मुझको ये उम्मीद है कि मैं BHU में ड्यूटी करता हूँ सफाई कर्मी का। मुझको ये उम्मीद है कि हम सब सफाई कर्मियों के साथ मोदी जी बहुत न्याय करेंगे, और हम जैसे गरीब लोगों को बहुत गर्व होता है जब झाड़ू लगाते हैं। पहले लगाते थे तो छुआछूत की बीमारी थी, लोग हमको देखते थे घृणा से, दूर हो जाओ। आज हमारे ऊपर डॉक्टर लोग हाथ कंधे पर ऐसे रख करके, शरीर पे हाथ रख कर टच करते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि बहुत गर्व से तुम, हमारा सर ऊंचा होता है, फक्र से ऊंचा होता है कि हम लोग को वो सम्मान मिल रहा है जो पहले कभी नहीं मिला, और सबका साथ जो पहले कभी ऐसा संभव नहीं था। जो मोदी जी को देख करके हमको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि मोदी जी स्वयं झाड़ू लगा सकते हैं, तो हम एक क्षुद्र जान, ये छोटे से जाति के एक छोटे से इंसान हो करके हम ये काम करते हैं तो बहुत उच्च क्वालिटी का करते हैं। आज हमको ये महसूस होता है, हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप झाड़ू लगा रहे कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन कोई घृणा करता है तो ये शर्म की बात है। प्रधानमंत्री, और हम जैसे जातिवाद से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, जातिवाद के ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, इसलिए उनको हर हर महादेव कहा गया है, क्योंकि महादेव जैसा व्यक्ति को कोई ना हुआ है ना होगा, लेकिन महादेव जी का नाम हर हर मोदी, जो मोदी जी के साथ जुड़ा है तो वो महादेव बन के दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन से क्या कहेंगे? उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, न उनका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि जहाँ महादेव है वहाँ कोई नहीं है। इसलिए हर हर मोदी। एक बार मैं मोदी जी के लिए बहुत सम्मान से जो मेरे पास है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आज हमको लग रहा है कि हमारा देश जीत रहा है और जीतता रहेगा, जीतता रहेगा, जीतता है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं निस्वार्थ काम कर रहा हूँ BHU में। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बंधु जो भी लगे हैं निस्वार्थ कार्य करे BHU में सफाई कर्मी का, और एक समय आएगा कि आप सबको मोदी जी वो सौगात देंगे जो आज तक कोई नहीं दे सका। मैं उम्मीद करता हूँ मोदी जी का देखने के लिए आज यहाँ पे BHU के एग्जाम भी दिए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी का माहौल देख के हमें। हाँ, तो क्या कहोगे गठबंधन की राजनीति से? गठबंधन में मोदी जी जीतेंगे इस बार भी, जैसे पिछले साल जीते थे। मोदी सरकार, हर हर मोदी। कांग्रेस के बारे, कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या? कांग्रेस पार्टी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनका सपोर्ट मेरे लिए नहीं है। राहुल गांधी का भी सपोर्ट नहीं, सिर्फ मोदी का सपोर्ट करते हैं हम। बस चोर है, पप्पू ही चोर है। 2014 में मोदी जी का नाम बोलता था, 2019 से मोदी जी का काम बोल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और भी स्पीच बोल सकते हैं, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस वो पैदा होता है वो श्री राम भक्त हनुमान जी के द्वारा होता है। मैं उनका सच्चा भक्त हूँ, इसलिए मैं सत्य बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। अगर झूठ बोलूँ तो मेरा बुरा हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ तो सत्य बोलता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि मोदी जी जीत रहे थे, जीत रहे हैं, जीतते रहेंगे। सरकार। मायावती ने कई वर्षों तक जातिवादी राजनीति की है, तो क्या लगता है आपको अभी भी? जो राजनीति करते हैं वो राजनीति के दलदल में फंस के रह जाते हैं, और जो न्याय करता है वो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, वो उसका नाम हमेशा उठता रहेगा, उठता रहा है, उठता रहेगा। और जो लोग नहीं जानते मेरी आवाज़ को सुन करके वो ये समझ सकते हैं, तो कोई ये ना सोचे कि मोदी जी गरीब इंसान या शूद्र व्यक्ति या छोटी जाति के साथ नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के घर में जाकर मोदी जी चूल्हा जलाएं और मोदी जी खाने के लिए दें। हर आदमी को गर्व से और अपने शरीर से, अपने कॉन्फिडेंस से अपने खुद की रोटी दाल रोटी कमानी चाहिए, खुद की दाल रोटी कमानी चाहिए और खानी चाहिए। जब आप कमाएंगे तभी खाएंगे, कोई सरकार आपके घर में चूल्हा जलाने के लिए नहीं आएगा।
कि अगर हम मर्द हैं तो मर्द के तरह सीना तान करके अपने परिवार की खर्च का खुद जिम्मेदारी हमको उठाना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हर जवानों से कि आप जो करते हैं चाहे जो करें एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। अब मोदी जी जब कर रहे हैं तो उनकी मेहनत रंग ला रही है तो हमारे कार्य में क्यों नहीं मेहनत रंग लाएगी। एक दूसरे को कॉन्फिडेंस दीजिए, आत्मविश्वास दीजिए, ताकत दीजिए, क्योंकि मास्टर जो पढ़ाते हैं स्कूल में वो कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, किताब की भरमार लगा देते हैं, बच्चे के ऊपर बस्ता टांग देते हैं, बैग टांग देते हैं, लेकिन कोई छात्र ये कह दे कि उसको किसी गुरु ने कॉन्फिडेंस दिया क्या? दिया किसी ने? किसी ऐसे गुरु ने आपको कॉन्फिडेंस दिया, ताकत दिया, एनर्जी दिया? नहीं दिया। गुरु वो होता है जो संकट मोचन होता है, राम भक्त हनुमान होता है। मोदी जी गुरु हैं, मोदी जी गुरु हैं, और हम कहते हैं वो देश के लिए भी गुरु हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री दीपक चंद्रा जी। हम गाते भी हैं, लिखते भी हैं, एक दिन समय आएगा शंख भी बजाते हैं, सहनाई भी बजाते हैं। गाना और सुना दीजिए। धर्म के प्रति इनको लगाव है। हर हर मोदी। एक बहुत प्यारा रामायण का स्पीच है। पापियों के नाश को दुष्टों को संहार को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। तो क्या कहना है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, सब लोग बोलेंगे महादेव, हर हर महादेव, काशी में फिर से आएंगे, मोदी गीत गाएंगे, काशी में आएंगे, मोदी गीत गाएंगे, एक नई अभिलाषा जली, राम जी की सेना चली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है, कभी जिंदगी में हमको इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी आज खुशी मिली है। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं, जैसे लग रहा है मुझे कोई जिंदगी का बहुत बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। एक बार एक झलक देखने के लिए मोदी जी का मैं आज ड्यूटी छोड़ कर आया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इंतजार करोगे 3 बजे तक? इंतजार करोगे ना? मैं क्षमा चाहूँगा कि आज मैं असमर्थ हूँ। जहाँ मेरे भगवान आ रहे हैं, जहाँ मेरे प्रभु आ रहे हैं, जहाँ मेरे वो हनुमान है, वो शिव है, मैं उनका दास हूँ। अब मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, मेरा प्यार उनके साथ है, मेरा प्यार उनके साथ है, मेरा प्यार मेरी आंसुओं से छलक रहा है। शुभकामनाएं उनकी, शुभकामनाएं आपकी, शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। मैं चाहूँगा कि जब तक वो रहें, दिए की तरह, सूर्य की तरह प्रकाशित करते रहें देश को, और हमारे काशी को उनके जैसा एक एनर्जी पूर्वक, कॉन्फिडेंस पूर्वक जो व्यक्ति हैं, जिसके अंदर भरपूर मात्रा एनर्जी है, जो काम नहीं करते, दिन रात जागते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो जरूर एक दिन सूरज की तरह चमकते हैं, और चमक रहे हैं, चमकते रहेंगे। जो सूरज की तरह जलता है, जो सूरज की तरह जलता है, वो सूरज की तरह चमकता है। मोदी जी 10 साल सूरज की तरह अधिक जग रहे थे, आज देखिए चमक उनका, मोदी लहर, हर जगह मोदी लहर। मैं हर एक व्यक्ति से यही कहूँगा, आप बात किए सबका साथ सबका विकास, अगर भारतीय जनता पार्टी, सब लोग यही कह रहे हैं विपक्ष की, मोदी आएंगे मुसलमान को ये कर देंगे, अगर ये कर देते तो क्या संयुक्त राज्य अमीरात जावेद पुरस्कार दे के क्या मोदी को सम्मानित करती? सऊदी अरब क्या मोदी को सम्मानित करता? क्या रूस मोदी को सम्मानित करता? क्या आप आज तक कोई प्रधानमंत्री पुरस्कार पाया है? तो मैं चाहूँगा कि सबका साथ सबका विकास, मुस्लिम भाई सब लोग साथ में आए, और एक नए राष्ट्र की, जो मोदी नए इंडिया के, नए भारत का सोच लेकर चल रहे हैं, हम युवाओं का विकास के लिए साथ लेकर चल रहे हैं। मैं सबसे अपील करूंगा कि मोदी जी एक बार और आएं, एक बार नहीं बार बार आएं, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री कोई अभी मिला ही नहीं। मेरा भी 24 साल उम्र हो गई, 10 साल से मैं राजनीति में हूँ, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं और नहीं आएगा। और मैं सबसे अपील करूंगा कि एक बार फिर मोदी सरकार आए। चाहूँगा जो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जातिवाद के नाम पे लोग पॉलिटिक्स करते हैं और लोगों को अंधेरे में ढकेलते हैं। अंधेरे में ये है कि पहले जो पढ़ाई होती थी जातिवाद के नाम पर, और जो गुरु लोग पढ़ाते थे, सिखाते थे,
कि ये शूद्र जाति कहाँ है, इसको पीछे रखिए और ये नहीं पढ़ सकता है, ये लड़की है, लेडीज है, ये नहीं पढ़ सकती है। तो ऐसा अब नहीं है, अब लोग जागरूक हैं और हमारे जैसे शूद्र जाति के, नीच जाति के लोग, मैं अपने आप को नीच कह रहा हूँ इसलिए कि मेरे परिवार के लोग, मेरे पूर्वज लोग अपने आप को नीच समझते थे, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं प्रभु के पैर की तरह हूँ, प्रभु के पैर की तरह हूँ। अगर पैर को शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या किसी शरीर का महत्व रहता है? आपका शरीर से अगर पैर अलग कर दिया जाए तो आपका महत्व रहेगा? नहीं रहेगा। तो मैं वो पैर हूँ, मैं वो समाज हूँ जो समाज के पैर को मजबूती देता है, ताकत देता है। और हम लोग के समाज को लोग धिक्कारते हैं, अलग करते हैं। ऐसा समाज जो आज मोदी जी हम लोग को आश्वासन दे रहे हैं, समझ रहे हैं, कांधे से कांधा मिला करके, आज वो जब वो झाड़ू लेकर के लगा रहे थे तो हमारी आँखों से आंसू बरस रहा था। लग रहा था कि स्वयं प्रभु चलकर आए हैं लोग को फिर से मार्गदर्शन कराने के लिए कि जातिवाद क्या होती है। मूर्ख, जातिवाद माने कुछ नहीं होता। ये चार वर्णों का जो भेद है हमने नहीं बनाया था, जो भगवान बनाते हैं। जब माता गर्भ में पैदा कर सकती है, वही गर्भ एक शूद्र जाति के पास है, वही गर्भ एक ब्राह्मण के जाति के पास है, वही गर्भ एक क्षत्रिय के पास है, वही ब्राह्मण मतलब हर वर्ण में वही गर्भ से पैदा होते हैं, वही स्थान से पैदा होते हैं और उसी गंगा में जाकर समाहित हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ, मैं भी जब वही 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 खून हूँ, वही हड्डी हूँ, वही मांस हूँ, तो शूद्र कहाँ से हूँ? शूद्र वो है जो मूर्ख है। शूद्र किसको कहा जाता है? जो मूर्ख, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जो ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी जो जो हमारे तुलसीदास जी महाराज जी लिखे हैं, मैं उनको अपना अपना आइकन मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ। मैं उनकी बात को, रचना को, जब मैं बचपन में छोटा था तो रामायण देखने जाता था तो बड़ी कोशिश करता था, लेकिन फिर भी रामायण देखने के लिए मुझे, मेरे घर में टीवी नहीं था, लेकिन आज भी मुझे रामायण का एक एक चरित्र याद है। आज भी मुझे रामायण का एक एक चरित्र याद है। वो केवट का प्रसंग याद है, वो सबरी का जूटा वेर खाना और खिलाना याद है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि यही चीज़ मेरे मोदी जी को भी याद रहना चाहिए कि हम भी उनके लाल हैं, हम भी उनके लाल हैं, हमारे बारे में भी कुछ सोचें। क्योंकि हम यहाँ हम दिन रात मेहनत करते हैं, BHU में झाड़ू लगाते हैं, ये हम चाहते हैं कि हम लगा रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी कोई चाहेगा? सोनार का बेटा चाहता है कि हमारा बेटा सोनार बने, लोहार का बेटा चाहता है, बाप चाहता है कि उसका बेटा लोहार बने, लेकिन क्या कोई झाड़ू वाले का बेटा बाप चाहता है कि उसका बेटा झाड़ू लगाए? क्या अगर आप झाड़ू वाले के बेटे को झाड़ू लगवाना चाहते हैं तो हम उसमें भी तैयार है, लेकिन हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमको रोजी मिलना चाहिए, हमको कमाने खाने का जरिया मिलना चाहिए। ये 2-4 हज़ार रुपये में हमारी जीवन यापन होगी सर? अगर यही 2-4 हज़ार रुपया हम भीख मांग के भी कमा सकते हैं, भीख मांग के भी कमा सकते हैं, लेकिन हमारा ये वजूद नहीं कहता कि हम भीख मांगे, क्योंकि हमारे पास शरीर है, बल है, ताकत है, हम भीख नहीं मांगेंगे। अगर मांगेंगे तो उस प्रभु से मांगेंगे, अगर उस प्रभु से मांगेंगे जो उसका दास होगा वो दे सकता है, लेकिन हम किसी के आगे हाथ नहीं पलाते हैं। हम मोदी जी के हाथ आगे हाथ इसलिए पलाना चाहते हैं कि वो हम सबके भगवान हैं और वो हमारे बारे में सोचेंगे। हमारे BHU में इतने इतने कर्मी हैं, सफाई कर्मी, उनके बारे में कुछ सोचें।